नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम उत्तरी अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे। चूंकि उत्तरी अमेरिका एक विशाल महाद्वीप है, यहाँ पर भौगोलिक तथा धरातलीय और जलवायु विविधताएं पाई जाती है। इन सभी विभिन्नताओं ने यहाँ की वनस्पति को प्रभावित करने का कार्य भी किया है। उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली वनस्पति को निम्न आठ भागों में विभक्त किया जाता है। जिसमें सर्वप्रथम है टुंड्रा वनस्पति, फिर है कोणधारी वन या टेगा वन, फिर है शीतोष्ण वन, उसके पश्चात है घास के मैदान, उसके पश्चात है पर्वतीय वनस्पति, उसके पश्चात है उष्ण आर्द्र वन तथा भूमध्य सागरीय वन और मरुस्थलीय वनस्पति। इस प्रकार से कुल आठ भागों में उत्तरी अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति को वर्गीकृत किया गया है। टुंड्रा वनस्पति, कोणधारी वन या टेगा, शीतोष्ण वन, घास के मैदान, पर्वतीय वनस्पति, उष्ण आर्द्र वन, भूमध्य सागरीय वन और मरुस्थलीय वनस्पति। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगभग समस्त प्रकार की जो वनस्पति है, जितने भी वनस्पति के प्रकार पाए जाते हैं, वो सभी के सभी उत्तरी अमेरिका में समाहित हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके उत्तरी अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम टुंड्रा वनों का अध्ययन करेंगे। टुंड्रा वनों का विस्तार उत्तरी अमेरिका में संपूर्ण आर्कटिक भाग, जिसमें कनाडा के उत्तरी क्षेत्र तथा ग्रीनलैंड और अलास्का शामिल है, में पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका के जो आर्कटिक क्षेत्र हैं, जिसमें अलास्का के उत्तरी भाग, कनाडा के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड के समीपवर्ती क्षेत्र, इन सभी भागों में टुंड्रा वनों का विस्तार देखने को मिलता है। और ये उच्च अक्षांशीय वनस्पति है टुंड्रा वन, जो कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च भागों में, उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। वनस्पति की जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम विश्व में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण नामक अध्याय में पढ़ चुके हैं। वहां पर हमने विस्तार से विश्व में पाई जाने वाली सभी प्रकार की वनस्पति तथा उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया था। यहां हम उत्तरी अमेरिका में जितने भी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उन सभी प्रकार की वनस्पति के विशेषताओं को संक्षेप में तथा उनके वितरण के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं या करेंगे। तो टुंड्रा जो वन है, यह शीत वन है, ठंडे प्रदेशों के वन है, जो कि कनाडा, अलास्का तथा ग्रीनलैंड के आर्कटिक भागों में पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर आते हैं कोणधारी वन या टेगा वन। इन वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कोणधारी या टेगा वनों की। इनका जो विस्तार है केवल उत्तरी गोलार्ध में है और इनका अधिकांश भाग कनाडा में है। कनाडा में सबसे अधिक पाए जाते हैं, जहाँ पर लंबरिंग का व्यवसाय, लकड़ी का जो व्यवसाय है, उसे लंबरिंग व्यवसाय के नाम से लंबरिंग व्यवसाय कहते हैं। तो इन वनीय भागों में इसका व्यवसाय इसलिए है क्योंकि ये जो वन है, इनकी लकड़ी मुलायम होती है तथा कागज की लुगदी बनाने के काम में आती है। तथा इस प्रकार का जो व्यवसाय जो लोग यहाँ पर करते हैं, उन्हें लंबर जेक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लकड़ी का व्यवसाय यानी लंबरिंग काफ़ी अधिक विकसित है, प्रचलित है, और इस प्रकार का कार्य करने वाले को लंबर जेक कहते हैं। इसके अलावा ये जो वन है, यह अलास्का तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटीय भागों में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कोणधारी वन हैं, ये ऊपर से शंकु के आकार के होते हैं, ताकि जो बर्फ गिरती है वो फिसल कर नीचे की ओर आ जाती है। इन्हें बोरियल वन भी कहा जाता है। टेगा वनों को बोरियल वन के नाम से भी जानते हैं। ये सब विशेषताएँ हम विश्व में प्राकृतिक वनस्पति के वर्गीकरण अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो कोणधारी या टेगा जो वन है, वह उत्तरी अमेरिका में कनाडा में पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में यह अलास्का तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटीय भागों में मिलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा उत्तरी जो क्षेत्र है, उत्तरी जो आर्कटिक भाग है,
ये तो है टुंड्रा वनों का, ये समस्त भाग टुंड्रा वनों का है, टुंड्रा वनस्पति का है। यह भी हमने देखा था, ये समस्त जो क्षेत्र है टुंड्रा वनस्पति का है। टुंड्रा वनस्पति के बाद का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्षेत्र टेगा वनों का है, जिन्हें बोरियल वनों के नाम से भी जाना जाता है। टेगा या कोंदारी जो वन है, ये संपूर्ण जो क्षेत्र है कनाडा, अलास्का तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी जो तटीय भाग है, यहाँ पर ये पाया जाता है। तो ये तो हो गया नंबर एक टुंड्रा वनस्पति वाला भाग, और ये हो गया टेगा वनस्पति वाला भाग या टेगा या कोणधारी वनों वाला भाग। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसके पश्चात है शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वनों का जो विस्तार है दोस्तों, शीतोष्ण वनों का विस्तार दक्षिणी पूर्वी कनाडा, उत्तरी पूर्वी यूएसए में इस प्रकार के शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। और इन वनों में कोणधारी तथा पतझड़ दोनों प्रकार के वन मिश्रित रूप से देखने को मिलते हैं, क्योंकि उच्च अक्षांश हैं और उच्च अक्षांशी भागों में यहाँ पर कोणधारी वन भी मिलते हैं और पतझड़ वन भी, दोनों प्रकार के वन यहाँ पर मिश्रित रूप में पाए जाते हैं शीतोष्ण वनों में, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में है और शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में होने के कारण इन्हें शीतोष्ण वनों के नाम से जाना जाता है। तो जो शीतोष्ण वन है दोस्तों, ये दक्षिणी पूर्वी कनाडा, उत्तरी पूर्वी यूएसए में पाए जाते हैं और यहाँ पर जो कोणधारी तथा पतझड़ दोनों प्रकार के वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से जो इस प्रकार के जो वन है वह मुख्य रूप से यहाँ पर हम देखते हैं कि कनाडा के जो दक्षिणी पूर्वी कनाडा का जो भाग है, उत्तरी पूर्वी यूएसए है, उन सभी भागों में इस प्रकार के वन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदानों पर, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, ये विश्व में कई स्थानों पर पाए जाते हैं। ये हमने जब वनस्पति का वर्गीकरण पढ़ा तब हमने पढ़ा था कि इन्हें साइबेरिया में स्टेपीज के नाम से, उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेरीज के नाम से, अर्जेंटीना में पंपाच के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स के नाम से और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो जो शीतोष्ण घास के मैदान है दोस्तों, शीतोष्ण घास के जो मैदान है यह उत्तरी अमेरिका में तथा कनाडा में, कनाडा तथा यूएसए में इनका विस्तार है, तथा रॉकी पर्वत जो श्रृंखला है उसके वृष्टि छाया प्रदेशों में इन शीतोष्ण घास के मैदानों का विस्तार पाया जाता है। तो कनाडा तथा यूएसए में जो रॉकी और उसकी जो सहायक श्रेणियां हैं, उनके जो वृष्टि छाया भाग हैं, वृष्टि छाया भाग का मतलब होता है पर्वतीय और पहाड़ी ढालों का वो क्षेत्र जहाँ पर वर्षा नहीं होती है, क्योंकि जब पहाड़ी ढालों के सारे सारे, पर्वतीय ढालों के सारे सारे गर्म पवन ऊपर उठती है तो वह संघनित होकर के वर्षा कर देती है। जिस ढाल के सहारे ऊपर उठती है और जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती है वहाँ पर ये शुष्क हो जाती है, फलस्वरूप वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है, तो वृष्टि छाया प्रदेश वो कहलाते हैं। तो कनाडा यूएसए के वे भाग जो रॉकी पर्वत की वृष्टि छाया प्रदेशों में आते हैं, वहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों का विकास ग्रीष्मकाल में अधिक होता है, तो ग्रीष्मकाल में इनका विकास अधिक होता है। यह घास पशुओं के लिए पौष्टिक होती है, काफ़ी पौष्टिक होती है, अतः यहाँ पर बड़े बड़े पशुपालन के फार्म भी विकसित हुए हैं। तो यहाँ पर इस घास के आधार पर बड़े बड़े पशुपालन फार्म भी विकसित किए गए हैं। कनाडा तथा यूएसए में इन घास के मैदानों को साफ करके विस्तृत कृषि फार्म तैयार किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, चेस्टनट चर्नोजम आदि प्रकार की मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की मिट्टी उपजाऊ होती है, नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त होती है, तो यहाँ पर इन मैदानों को साफ करके कृषि फार्म भी तैयार किए गए हैं जिनमें विस्तृत व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि की जाती है, यानी जो गेहूं की कृषि होती है वो व्यापार की दृष्टि से यहाँ पर की जाती है। तो कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रकार की विस्तृत व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ के शीतोष्ण घास के मैदानों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो शीतोष्ण घास के क्षेत्र हैं, ये देखिए ये सारा, ये जो क्षेत्र है ये सारा का सारा शीतोष्ण घास के जो मैदान हैं उनमें सम्मिलित किया जाता है। ये शीतोष्ण घास के क्षेत्र हैं जिनमें इस भाग को, संपूर्ण भाग को सम्मिलित करते हैं। तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये कनाडा में भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका
दोनों में इस प्रकार के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार का क्षेत्र है वो तीनों में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो हो गया आपका नंबर एक जो था टुंड्रा वन, ये हो गया आपके टेगा वन, ये हो गया शीतोष्ण घास के मैदान, और यहाँ पर जो दोस्तों हमने छोड़ा था कोणधारी वन, जिनमें हमने अभी देखा था पिछले तीसरे नंबर पर जो हमने अध्ययन किया था कोणधारी वन, जो शीतोष्ण वनों के नाम से हमने इनको पढ़ा था, वो ये है। यहाँ पर जो शीतोष्ण वन है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो शीतोष्ण घास के मैदान है वह प्रेरीज घास के मैदान है, जैन बागों को साफ करके वहाँ पर अन्नोत्पादक कृषि भी की जाती है। इसके बाद आता है दोस्तों पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति मुख्य रूप से रोकी तथा अप्लेशियन पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो हमें उत्तर अमेरिका के जो रोकी तथा अप्लेशियन के क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस वनस्पति के भागों में मृदा का विकास नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पर मृदा क्षरण की क्रिया होती है। तो मृदा क्षरण की क्रिया होने के कारण यहाँ पर मृदा का जो मृदा परिच्छेदिका का विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। मृदा हल्की होती है और उपजाऊ भी नहीं होती है। यहाँ पर घास तथा कोणधारी वन पर्वतीय ढाल होने के कारण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो पर्वतीय वनस्पति है यह उत्तरी अमेरिका की रोकी तथा अप्लेशियन पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके पश्चात दोस्तों उष्ण आर्द्र वन। उष्ण आर्द्र जो वन है वो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। जब हमने जलवायु का अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, ये देखिए ये जो क्षेत्र है दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर उष्ण आर्द्र वनों का विस्तार देखने को मिलता है। और उष्ण आर्द्र वनों का विस्तार इसलिए है क्योंकि इस वाले भाग में व्यापारिक पवनों के द्वारा वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है और यहाँ पर चक्रवात भी आते रहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी आते रहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आने के कारण भी इस भाग में वर्षा होती है। तो इस कारण से यहाँ पर उष्ण आर्द्र वनों का विस्तार देखने को मिलता है। और चूंकि यह क्षेत्र कर्क रेखा के निकट भी है तो यहाँ पर उष्ण जो विशेषताएं हैं वो भी देखने को मिलती है और वर्षा अधिक यहाँ पर होती है। तो इसलिए उष्ण आर्द्र जलवायु वाले जो वन हैं वो इस संपूर्ण दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में देखने को मिलते हैं। और जो पर्वतीय वन है वो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो गहरे काले रंग से दिखाया गया है ये सारे के सारे पर्वतीय वनों का विस्तार यहाँ पर है। रोकी तथा अप्लेशियन पर्वतों का जो क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार के पर्वतीय वनों का विस्तार, ये देखिए ये जो डॉट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं रेड कलर के, ये सारे डॉट्स में पर्वतीय वनों का विस्तार देखने को मिलता है। क्योंकि जो सारा का सारा क्षेत्र है ये तो ये रोकी, अभी मैं जहाँ पर डॉट्स बना रहा हूँ ये तो रोकी पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। तथा जब हम पूर्व की तरफ आते हैं तो ये सारे के सारे क्षेत्र हैं ये अप्लेशियन के क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्वतीय वनस्पति देखने को मिलती है। इसके बाद है दोस्तों भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वनों का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया राज्य में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है जहाँ पर जो वर्षा है वो शीतकाल में पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है। तो इसी कारण से कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और वहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाए जाने के कारण भूमध्य सागरीय वनस्पति देखने को मिलती है जहाँ पर चेप्रेल, ओक, मेक्विस, बोका आदि प्रकार की भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कैलिफोर्निया में पाई जाने वाली भूमध्य सागरीय वनस्पति को जाना जाता है। तो चेप्रेल, मेक्विस, ओक, बोका आदि प्रकार की जो वनस्पति है भूमध्य सागरीय वनस्पति वो कैलिफोर्निया में पाई जाती है। और कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय वनस्पति होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, वर्षा पछुआ पवनों के द्वारा होती है और वर्षा शीतकाल में होती है, ग्रीष्मकाल यहाँ पर शुष्क होता है। इसके बाद दोस्तों मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति का जो विस्तार है वो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भागों में विशेष रूप से रॉकी पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश जिसमें कोलोरेडो क्षेत्र तथा एरिजोना के मरुस्थलीय भाग इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि जो कोलोरेडो का पठार है और एरिजोना का मरुस्थल है वहाँ पर इस प्रकार की मरुस्थलीय वनस्पति देखने को मिलती है क्योंकि ये शुष्क मरुस्थलीय भागों में आती है। देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्र हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों ये वाला जो भाग है जहाँ पर डॉट डॉट से इसको दिखाया गया है
ये संपूर्ण भाग कोलोराडो का जो पठार है, एरिजोना का मरुस्थल उसमें आता है, और वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आने के कारण यहाँ पर भूमध्य यहाँ पर जो वनस्पति मरुस्थली प्रकार की पाई जाती है। और ये देखिए यहाँ पर कैलिफोर्निया का जो तटीय भाग है, इस कैलिफोर्निया के तटीय भाग में जो वनस्पति है वो भूमध्य सागरी वनस्पति देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो पछुआ पवनों के द्वारा होती है, और विशेष रूप से शीतकाल में इस प्रकार की जो वर्षा है वो होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि उत्तरी अमेरिका में जो वनस्पति का वितरण है वो काफ़ी अधिक विविधताएं लिए हुए हैं। विविधता लिए होने का कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पर एक तो यहाँ का विस्तार काफ़ी अधिक है, और विस्तार अधिक होने के साथ साथ यहाँ पर अनेक प्रकार की विविधताएं भी पाई जाती है, इसी कारण से यहाँ पर वनस्पति संबंधी विविधताएं भी देखने को मिलती है। तो एक बार हम पुनरिवाइज कर लेते हैं, ये जो उत्तरी क्षेत्र है, आर्कटिक जो भाग है, कनाडा अलास्का का और ग्रीनलैंड का जो आर्कटिक क्षेत्र है, यहाँ पर टुंड्रा वन पाए जाते हैं। टुंड्रा वनों के ठीक दक्षिण की ओर इसमें कनाडा तथा उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तटीय भाग शामिल है, जहाँ पर टेगा वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों टेगा वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है। तीसरा है कोणधारी वनों का क्षेत्र। तो ये जो पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, ये कोणधारी वनों का क्षेत्र कहलाता है। ये संपूर्ण जो क्षेत्र है ये कोणधारी वनों का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर जो लंबरिंग का जो व्यवसाय है, लंबरिंग व्यवसाय से तात्पर्य है लकड़ी का व्यवसाय यहाँ पर काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है, और जो लोग इस कार्य को करते हैं उन्हें लंबर जेक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के जो वन हैं वो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तथा पूर्वी तटीय भागों में देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात जो घास के मैदान है दोस्तों, घास के मैदान जो है वो प्रेरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी ये पूरा क्षेत्र कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला हुआ है। यहाँ पर प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ पर वर्षा कम होती है और यहाँ जो मिट्टी वो उपजाऊ होती है, नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त मिलती है, इस कारण से इस मिट्टी का को यहाँ पर घासों को साफ करके यहाँ पर गेहूँ की कृषि भी की गई है। विस्तृत व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि इन भागों में की जाती है, तथा उत्तर अमेरिका के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर उष्ण आर्द्र वन देखने को मिलते हैं। उष्ण आर्द्र वन यहाँ पर पाए जाते हैं। रॉकी तथा एंडीज के पर्वतीय क्षेत्रों में, ये देखिए रॉकीज का पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर रॉकी तथा आल्पस के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कैलिफोर्निया में, ये देखिए यहाँ पर कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय वनस्पति देखने को मिलती है। वनस्पति भूमध्य सागरीय है तथा रॉकी पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेशों में मरुस्थली वनस्पति देखने को मिलती है। इस प्रकार से कुल 8 प्रकार की वनस्पति उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलती है। उत्तर से हम शुरू करें, सबसे उत्तर में टुंड्रा वनों का विस्तार है। टुंड्रा वनों के बाद टेगा वनों का विस्तार पाया जाता है। टेगा वनों के पश्चात कोणधारी वन या शीतोष्ण वन देखने को मिलते हैं। उसके पश्चात जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है दोस्तों। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बाद भूमध्य सागरीय वन आते हैं जो कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। उसके पश्चात पर्वतीय वन आते हैं। पर्वतीय वनों का जो विस्तार है वो रॉकी तथा आल्पस पर्वतों के उच्च भागों में है। इसके पश्चात शुष्क मरुस्थली जो वनस्पति है वो कोलोराडो तथा एरिजोना जो क्षेत्र हैं, रॉकी पर्वतीय जो वृष्टि छाया क्षेत्र हैं वहाँ पर होती है, क्योंकि वर्षा कम होती है। तथा अंत में उष्ण आर्द्र वनों का विस्तार पाया जाता है, जो कि यहाँ के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भागों में देखने को मिलता है। इस प्रकार से दक्षिण में उत्तरी अमेरिका की जो वनस्पति है काफ़ी विविधता और काफ़ी अधिक वितरण की दृष्टि से भी काफ़ी इसमें अधिक यहाँ पर विभिन्नता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आज हमने उत्तरी अमेरिका की वनस्पति के बारे में अध्ययन किया। आपके जो प्रश्न हैं वो YouTube के चैट बॉक्स में अवश्य लिखें, इससे अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें तथा साथ ही एक मानचित्र भी बना लें। आज इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, धन्यवाद।